अपने खोज से दुनिया बदल देने वाले व्यक्ति, जिन्हें पूरी इंसानी इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा जाता है, जिनकी वजह से ही आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर पाते हैं, उनको बचपन में उनके टीचर्स कम दिमाग वाला बच्चा कहते थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ महान भौतिक वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिनके विचार आम लोगों के सोच के परे थे। 20वीं शताब्दी को अगर यादगार कहा जाएगा तो बस आइंस्टाइन के खोज के चलते ही, जिन्हें कि आज के वैज्ञानिक मॉडर्न फिजिक्स का बेस मानते हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं था कि आइंस्टाइन शुरुआत से ही तेज़ दिमाग वाले थे। बचपन में उन्हें एक बार उनके मंदबुद्धि के कारण उन्हें स्कूल से निकाला भी गया। बावजूद इसके वो आज हम सभी के बीच अपने समान संपेक्षता, विशेष संपेक्षता और प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसे महान थियोरीज के साथ अमर हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के बारे में डिटेल में जानते हैं। बात है 14 मार्च 1879 की, जब जर्मन एम्पायर के किंगडम ऑफ वुर्टेम्बर्ग में एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन था, जो कि अपने समय के इंजीनियर और सेल्समैन थे। वहीं उनकी माँ का नाम पॉलिन कोस था। दोस्तों, आइंस्टाइन शुरुआत में कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते थे। उनकी ग्रोथ बाकी बच्चों से काफ़ी धीरे हो रही थी। उन्होंने 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया और साथ ही वे 9 वर्ष की उम्र तक कुछ भी सही से बोल नहीं पाते थे। उनके माता पिता इस बात से काफ़ी चिंतित रहा करते थे। आइंस्टाइन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल से की और आगे जाके वे 8 वर्ष की उम्र में ल्यूटपॉल जिमिनीजियम में पढ़ने लगे, जिसे कि आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन जिमिनीसियम भी कहते हैं। शुरुआत में वे पढ़ाई में काफ़ी कमजोर हुआ करते थे, यहाँ तक कि उनके टीचर्स उन्हें दिमागी रूप से असक्षम भी कहने लगे थे। हाँ, पर उन्हें ब्रह्मांड के बारे में जानने का शुरू से ही काफ़ी शौक हुआ करता था। वे अक्सर अपने टीचर से सवाल किया करते, जो कि स्कूल के सिलेबस से बाहर का हुआ करता था, पर उन्हें उनके मन के लायक का जवाब नहीं मिल पाता था। दोस्तों, आगे जब आइंस्टाइन 12 वर्ष के हुए, तब वे एक ज्योमेट्री की किताब का एक एक पन्ना पूरा पढ़ बैठे और आइंस्टाइन उसको अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट भी मानते थे। इसके बाद तो उन्हें जैसे साइंस और मैथ से प्यार हो गया। उन्होंने तब अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे कुछ करना ही है। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा। आइंस्टाइन की इस बात से पता चलता था कि आपको जिस काम में खुशी मिलती है, आप वो ही करें। खुद आइंस्टाइन के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बने, पर आइंस्टाइन को जिसमें खुशी मिलती थी उन्होंने वही किया। आप दूसरों को देख के कोई भी काम का चुनाव करोगे तो आप बस व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर बैठोगे। आगे जब आइंस्टाइन 12 वर्ष के थे, तब उनका परिवार इटली के मिलान शिफ्ट हो गया। मिलान में वे स्कूल तो जाया करते थे, पर उनका स्कूल में थोड़ा भी मन नहीं लगता था। उन्हें किताबी कीड़ा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आइंस्टाइन कहते थे कि उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था, जहाँ बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाया जाता था। और उनकी इस सोच का दूसरे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ने लगा, जिस वजह से आगे स्कूल अथॉरिटी ने उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया, ताकि दूसरों बच्चों पे उनके सोच का गलत प्रभाव ना पड़े। आगे उन्होंने स्विट्जरलैंड में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए आवेदन किया, जहां उन्हें पहली बार में एडमिशन तो नहीं मिली क्योंकि उनका बायोलॉजी में बहुत कम नंबर था। पर कहते हैं ना, रास्तों की अड़चन आपको और भी ठोस बनाते हैं, आपके विचारों को पक्का करते हैं। बस आगे आइंस्टाइन ने बायोलॉजी को भी पढ़ा और एक बार फिर से एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उनका चुनाव भी हो गया। कॉलेज के दिनों के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई थी मिलिवा मैडिक से, जो कि आगे जाके उनकी पहली पत्नी बनी। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद आइंस्टाइन ने टीचिंग करने का सोचा, पर उन्होंने आगे अपना मन बदला और स्विट्जरलैंड के ही एक पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर ली। वे वहाँ काम तो करते थे, इसके साथ ही साथ वे अपने रिसर्च पे भी ध्यान देते थे। और आखिरकार 20वीं शताब्दी के शुरुआत में सन 1900 में उन्होंने अपना पहला साइंटिफिक पेपर को प्रकाशित किया। और इसके बाद क्या था, वे विज्ञान की दुनिया में तेजी से चर्चा का विषय बन गए। आगे उन्होंने संपेक्षता के सिद्धांत, प्रकाश ऊर्जा प्रभाव जैसे ढेरों सिद्धांत का खोज किया, जिसके कारण ही आज हमारा विज्ञान इतनी उन्नति कर रहा है। पर दोस्तों, आखिरकार इस महान व्यक्ति को भी 1955 में दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। उनकी अनुमति पे उनके दिमाग और कुछ अन्य शरीर के ऑर्गन्स पर रिसर्च भी किया गया। बात करें आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने 1903 और 1919 में 2 शादियाँ की हैं और यूं तो उन्हें ढेरों पुरस्कार भी मिल चुके हैं, पर उन सब में सबसे बड़ा था नोबल प्राइज, जो कि उन्हें 1921 में उनके फिजिक्स में योगदान के चलते मिला।
इसके साथ ही आइंस्टाइन को म्यूजिक से भी काफ़ी लगाव था। वो कहते थे कि अगर मैं वैज्ञानिक न होता तो एक दिन म्यूजिशियन जरूर बनता। उनके जीवन ने हमें ये साबित कर दिया कि मुकाम तक वो ही पहुँचते हैं जो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। ज़िंदगी तो सबको बराबर ही मिलती है, असंभव जैसा कुछ नहीं। मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि अपने सकारात्मक सोच को काम में लें और अपना समय बर्बाद करने के बजाय आप बस अपने लक्ष्य पे भिड़ जाएं। मोटिवेशन आपको इन स्टोरीज से नहीं मिलेंगी, आपको मोटिवेशन अपने अंदर से लानी होंगी। संघर्ष तो हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है, और कहते हैं ना कि जिस दिन आप अपने संघर्ष को एंजॉय करने लगें बस उसी दिन आपने अपनी मंजिल की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। आइंस्टाइन का भी कहना था, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। दोस्तों, जाने के पहले आप प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप तक ऐसी वीडियोस को लाने के लिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा दिन भी बन जाता है। मैं जल्दी एक और वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद।